जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तब ज़्यादातर लोग सिचुएशंस को ब्लेम करने लग जाते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ही जिम्मेदार हो। क्यों हमें ज़रूरत है किसी और को ब्लेम करने की, फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो या परिस्थिति? क्योंकि ब्लेम करने से या इल्ज़ाम लगाने से रिज़ल्ट कभी नहीं मिलता। रिज़ल्ट तो तब निकलता है जब हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजें। एटलीस्ट ट्राई तो करें, क्योंकि एक प्रॉब्लम के कई सल्यूशंस होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना नहीं आता, क्योंकि हम खुद को इतना उलझा लेते हैं उन फिजूल की बातों में जिनका कोई मतलब नहीं है। ये भी मैटर करता है कि उस प्रॉब्लम में हमारा नज़रिया कैसा रहता है। अगर हमें ऐसे ही देखना है या ये सोचना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही सब झेलना पड़ता है, बाकी लोगों को तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, मुझे ही ये सब क्यों सहना पड़ रहा है, तो ये सारे थॉट्स हमें कभी भी सल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनने देंगे। सल्यूशन ओरिएंटेड का मतलब होता है समाधान उन्मुख, यानी कि जो समाधान खोज सके किसी भी विकट परिस्थिति में। तो अगर आप सल्यूशन ओरिएंटेड बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को ही शुद्ध करना होगा। उल्टा सीधा नहीं सोचना, दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना और इल्ज़ाम भी नहीं लगाना। सबसे पहले तो उस परेशानी को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें, यानी कि अपना लें, स्वीकार कर लें। तकलीफ़ें सबको मिलती हैं, अगर आज आपके सामने कुछ आ गया तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सोचें और खुद से कहें, मुझे इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, मैं समाधान खोज सकता हूँ, मैं तो बहुत शांत और स्थिर हूँ। तो जब आप अपने थॉट्स को थोड़ा भी पॉजिटिव कर लेंगे तो अब नेक्स्ट स्टेप है समाधान खोजना। किसी सीनियर से मदद ले सकते हैं जिनका अनुभव आपसे ज़्यादा है, अपने फैमिली मेम्बर से भी सलाह ले सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह की परेशानी है। अलग अलग रिसोर्सेज या एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करें, अल्टरनेटिव्स देखें, अगर ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, कोई तो रास्ता होगा। और इन सब से भी ऊपर है आपकी गट फीलिंग, यानी आपके मन की आवाज़, जो कि सबसे पावरफुल है। और वो मन की आवाज़ तभी सुनाई देती है जब हम शांत होते हैं, सब्र और धैर्य बना के चलते हैं, दिमाग पर विचारों का ज़्यादा बोझ नहीं डालते। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। प्रैक्टिस करके विचारों को पॉजिटिव रखें। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो अब से अपने मोबाइल या लैपटॉप के वॉलपेपर पर या कहीं भी अपने रूम में इस लाइन को लिखकर सेव कर दें, आई एम सॉल्यूशन ओरिएंटेड, या हिंदी में, मैं आसानी से समाधान खोज सकती हूँ। क्या पता ये लिखी हुई लाइन आपके लिए कितनी जल्दी सिद्ध हो जाए, आप ट्राई करके देखिए।